मेष राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आशा और विश्वास एक साथ टूटने वाले हैं आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर। दोस्तों, जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपको बुरी तरह गड्ढे में गिरने वाला है। दोस्तों, आपके घर पुलिस का कॉल आने वाला है, दुश्मन ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा है। अब दोस्तों, भलाई करने का नतीजा देख लो, जिनके लिए आपने सब कुछ किया वही इंसान आपके जीवन के पीछे पड़े हैं। अब दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, इन लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों ये लोग वैसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी के ऊपर मां भवानी प्रसन्न हो चुकी है और अब आप सभी के जीवन काल में बड़ा बदलाव होगा। यह दुश्मन है जो आपके लिए बुरे रास्ते बना रहे हैं, इसका अंत होने वाला है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और दोस्तों, इसके लिए आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण आप सभी के लिए किया गया है, आप सभी के अच्छे जीवन के लिए किया गया है। आने वाले अगले 3 दिनों पैसे में आपके लिए बड़े ही भाग्यशाली समय है, क्योंकि माता दुर्गा का रूप मां भवानी और यह दिव्य शक्ति अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव करने वाली है। यह देवी आपके जीवन काल में प्रसन्न हो चुकी है। अगले 3 दिनों में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, सुनकर आप सभी के घर और परिवार की होश उड़ जाएंगे। यूं कहें तो दोस्तों, आप खुशी से नाचने वाले इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, परंतु उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे बढ़ाते हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते आप सभी को हम बता दें कि अब आप शुरू क्यों, जीवन की नई शुरुआत होने का समय है। दोस्तों, ऐसे में शत्रु आपको पीछे खींचने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। जो बात हम आगे इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं, सुनकर आप मालामाल हो जाओगे प्यारे दोस्तों। इसे साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो ज्ञान देने वाले हैं वह एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जान बचा सकता है, आपको लाखों करोड़ों की घाटी में जाने से बचा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको भयंकर तांत्रिक क्रियाओं और गुप्त शत्रुओं के खतरों से भी बचा सकता है। तो अब इतने महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो रोज रोज नहीं मिलती है, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। माता रानी की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है जो आपके लिए इतना ज्ञानवर्धक वीडियो आज हम लेकर आए हैं। यकीन मानिए, हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के बाद यह वीडियो तैयार किया है। अब आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? तो अब ध्यान से समझिए, अगले इन दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदलने वाली है। ग्रहों की एक ऐसी युति बन रही है जो आपको इस एक कार्य को करने के लिए मजबूर करते कि परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हो जाएगा कि आप इस कार्य को करेंगे ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी जीवन में ग्रहों के माध्यम से विनाश हाल प्रवेश करना चाहता है तो वह जातक की बुद्धि को पहले परिवर्तित कर देता है। अब ऐसा ही कुछ भयंकर आपके साथ भी होने वाला है, तो सबसे पहले आप समझो कि आपने यदि यह कार्य कर डाला जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पास पैसे रुपए को लेकर समस्या आएगी, यानी कि आपका पैसा जहां है जैसा है रुक जाएगा। आपने जिससे भी पैसा लेने की उम्मीद लगा रखी है वह मिलेगा नहीं, आप भी किसी व्यापार में पैसा लगा दिया है तो डूब जाएगा। दूसरा कि रुपए पैसे को लेकर आपके मन में गलत धारणाएं बन जाएंगी, आप गलत काम करके पैसे को कम आने की कोशिश करेंगे, जुआ सट्टा शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाकर उसे बढ़ाने की, डबल करने की, 3 गुना 4 गुना करने की स्कीम लेकर आ जाएंगे और यहीं से तो बर्बादी होगी। तीसरा कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। ये दोस्तों और ये ऐसी बर्बादियां हैं
जिन्हें आप छोटी मोटी बर्बादी मत समझना जो इस बर्बादी में गिर जाता है, पैसे की तंगी और कर्जी में दब जाता है। ऐसे लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। फिर कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं होता है। और एक बात और ध्यान से समझ लो दोस्तों, की जब भी मुसीबत बहुत बड़ी होती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर यह ब्रह्मपाल कर बैठी है, क्या आपके बुरे वक्त में आपके अपने जो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, आप जिनके लिए जीने मरने के लिए भी तैयार हैं, वह आपका साथ देंगे जी नहीं तो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप अकेले ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है तो जो कंगाली और भुखमरी जीवन में आती है वह जन्मों जन्मों तक जाती नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी बर्बादी ही बर्बादी छाई रहती है। इसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि आप बहुत सतर्क हैं, होशियार हैं और आप हमारी बातों को सुनकर पहले से ही संभल कर चलने लगेंगे। लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके अपने ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जो आप हंसाने का कार्य करेगी। आपको ऐसी ऐसी स्कीम से बताएंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे आपके सामने। क्या आप मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों में आने के लिए और फंसने के लिए और अपना पैसा लगा देंगे, अपनी जमा पूंजी खर्च कर देंगे और फिर आपका साथ कोई नहीं देगा? उल्टा आपको ही दोषी बना देंगे, आपको ही पागल साबित कर देंगे और कह देंगे कि ने कहा था, हमारी बातों में आने के लिए तुम्हारा खुद का मन था, इसलिए तुमने यह काम किया। दोस्तों, यकीन मानिए कि यह जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन्हें आपने भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। लेकिन माता रानी का साथ, आपके देवी देवताओं का कुल देवी का साथ आपके साथ हमेशा रहा है। इस वजह से अब तक आप सही सलामत बचकर निकलते रहे हैं। लेकिन अब यदि आप सफल कर नहीं चलेंगे, सत्तर के नहीं होंगे, ग्रहों की चाल तो नहीं समझेंगे, तो कब तक बच पाएंगे? जी हां दोस्तों, तो बस अब आपको और नहीं सहना है, तैयार हो जाना है, पहले से ही सतर्क हो जाना है और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, सब कुछ अच्छी तरह से समझाएंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से हैं वह के योग जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं और उन ग्रहों के नकारात्मक योग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बड़ी सावधानियां अब तो रखनी होगी, और सबसे बड़ी बात, मां भवानी की विशेष कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, यानी कि एक महा उपाय जो आपको हर एक आने वाली मुसीबत से बचाएगा। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इन कार्यों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बस ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा देखना है। तो चलिए मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले महामई जगत माई मां भवानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि मित्रों, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं मां भवानी की कृपा निश्चित तौर पर शामिल होती है। उनके ही द्वारा दी गई ज्ञान और अनुभूति के आधार पर हम बोलते हैं, तो हमारी बातें तो परसेंट सत्य ही होती हैं। तो बस ऐसे में माई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट में एक बार नहीं, तीन बार लिखना, जय मां भवानी कृपा करो, और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी। और आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे उस कार्य में भी आपको कामयाबी हासिल होगी। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह के ज्योतिष कार्यक्रम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात अध्ययन करना पड़ता है, विशेष ज्ञान और जरूरी बातें चुन चुन कर आपके लिए लानी पड़ती है। तो बदले में बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करती हैं और जो कुछ भी अपने हाथों से गांव आते हैं, फिर चाहे हम कितनी ही मेहनत करें, पूजा पाठ करें और उसके बाद भी हमें सफल नहीं मिलती हैं,
तो इन सब के पीछे ग्रहों की चाल, कुछ नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव जरूर जिम्मेदार होते हैं। अब ऐसी में आपको यह हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस प्रकार की ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है, आपको यह रही हो फायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि आपने अक्सर यह देखा होगा कि कभी कभी इंसान जरा सा कोई कार्य करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी प्लानिंग करता है और लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। बड़े बड़े व्यापार उद्योग धंधे उसके जम जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी कुंडली में और उसकी राशि में निश्चित तौर पर कुछ ऐसे धन लाभ के पड़ी योग बने हैं, तो उसे जरा सी मेहनत में पड़ी पड़ी कामयाबियां खिला रहे हैं। इसी प्रकार जब लोग बहुत सफल होने के बाद भी झटके के साथ नीचे आ जाते हैं, तब नकारात्मक ग्रहों की स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है और जातक के हाथों से कामयाबी फिसल जाती है। तो अब आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसे आप ध्यान से समझिए। मंगल, राहु और शनि तीनों की एक ऐसी युति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत भयंकर हंस का नुकसान कराए कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी पैसे से संबंधित कोई भी फैसला लेंगे, वह गलत ही साबित होगा। कारण इसका यह है कि इस यूपी में राहु की शामिल है और राहु हमेशा मन मस्तिष्क पर पर्दा डालने का कार्य करता है। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जिस जगह आपको घाटा होगा, जहां आपको बड़ी परेशानियां होंगे, उस जगह आपको लाभ देगा, यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। लोग आपसे लाख मना करेंगे, इस कार्य को मत करो, इसमें बहुत परेशान हो जाओगे, पैसा अटक जाएगा, आपको वही कार्य अच्छा लगने लगेगा, आप किसी की भी नहीं सुनेंगे और इस कार्य को कर डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि रुपए पैसे को लेकर अगले 3 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहें। 3 काम आपको रुपए पैसे को लेकर भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे बड़ा कार्य कि आप किसी भी नए काम धंधे में पैसा 3 दिनों के अंदर नहीं लगाना है या नहीं। अगर आपको कोई काम धंधा व्यापार करना ही है, शुरू करना है, तो आप 3, उसके बाद किसी कार्य के लिए आगे बढ़े पैसे रुपए से संबंधित बहुत ज्यादा सतर्क रहें। आपको हर तरफ से पैसे का घाटा होगा, आप यकीन मानिए फिजूल खर्ची 100% होगी। आप कितना ही हाथ को समेटने की कोशिश करना, आप चाहे किसी जंगल में ही चले जाना अपना रुपए लेकर, लेकिन अब बचा नहीं पाएंगे, वहां से भी रुपया पैसा आपके हाथों से फिसल जाएगा। मित्रों, यही होती है ग्रहों की शक्ति, तो अब ऐसी में केवल कार्य करता है। उपाय चिन्ह मित्रों, क्योंकि ग्रह जो हैं वह हमारे हिंदू धर्म में जीवित माने गए हैं, वह मृत नहीं है, लेकिन उन्हें अवश्य ही मृत मानता है, मिट्टी के गोले हैं, लेकिन हमारा आध्यात्म, हमारा धर्म हर एक ग्रह को एक जीवित देवी देवता के तौर पर मानता है। जैसे शनिदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव, शुक्र इसी प्रकार से जीवित है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके ऊपर आ रहा है तो इन्हें प्रसन्न करने का भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य हो। सही है, अब आपको जरूरत है उस रास्ते को जानने की। फिलहाल हम आपको बता दें कि 3 काम है जो आपको भूल कर भी अगले 3 दिनों में नहीं करना है। पहला, कि किसी काम धंधे नए व्यापार में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, किसी को भी कर्जा भूल कर भी नहीं देना है, उधार भूल कर भी नहीं दे रहा है। आपने किसी को उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, समझ लो आपका पैसा चला गया, वह वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। और तीसरा कार्य कि आप अगले 3 दिनों में प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि किसी बड़ी डील को लेकर जहां पैसे का भारी लेन देन हो रहा हो, उसे नहीं करेंगे। यदि आप करेंगे तो आपको 100% घाटा होगा और आपकी बहुत बड़ी रकम फंस जाएगी, रुक जाएगी और आप बहुत ज्यादा सिरदर्दी देगी। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनको हमने ना बोला कि अभी इस प्रॉपर्टी के खेल मत करो, तुम्हारा पैसा अटक जाएगा। उन्होंने नहीं मानी बात, उन्हें लगा कि यह तो फायदे का सौदा है, इसे क्यों ना करें, अभी और कर डाला, ग्रहों की स्थिति को नहीं समझा था। यकीन मानिए कि जो पैसा उन्होंने लगाया वह कुछ इस प्रकार से फंस गया, कानूनी विवाद और जाटों में इस तरह से उलझ गया कि पूरा का पूरा पैसा तो डूब ही गया, ब्याज अलग से चलता रहा, कर्जा तो हो ही गया, उसका ब्याज भी चलने लगा। एक ऐसे ही हमारे जाने वाले सज्जन थे जिनके ऊपर इतना भारी कर्जा हो गया क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। कर्जा लेकर उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, हमने उनको मना किया कि तुम्हारे लिए अभी समय अच्छा नहीं है, पैसा फंस जाएगा, लेकिन बात नहीं मानी,
और बाद में वह जमीन विवाद की हो गई, सरकारी रोक लग गई, उस पर और पैसा उनका रुक गया। अब पैसे का ब्याज अपनी जेब से भर रहे हैं। पता नहीं कब वह जो रोक लगी है सरकारी हटेगी, तब कहीं जाकर उसका सौदा होगा, तब पैसे मिलेंगे। तब तक ब्याज जेब से देना पड़ रहा है और ब्याज की रकम इतनी भारी है कि चीज को जुटाने में उनकी हालत खराब, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, परेशान है। जबकि पहले लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हुआ करते थे तो यही होती है। ग्रहों की शक्ति आपको माननी ही पड़ेगी, वरना ग्रह अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपको मिट्टी में मिला देगा, आपके जीवन से हर एक सुख को इस तरह से निचोड़ लेगा, इस तरह से सोख लेगा, जैसे कि पेड़ पौधे जमीन के अंदर से पानी को सोख लेती है। तो बस आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है, लेन देन नहीं करना है। पहली चेतावनी, यह दूसरी चेतावनी आपकी यह है कि आपको विवादों से बचना है। यह मित्रों झगड़ा होगा, विवाद होगा, स्थितियां इतनी बड़ी उत्पन्न हो जाएंगी कि मारपीट तक की नौबत आ जाएगी, खींचातानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह बहुत छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बात यदि बोल रहा है जो आपको भड़काने वाली है, उक्त आने वाली है, तो उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों से बना लेनी है नकारात्मक बातों में, नकारात्मक बात आवरण से आपको दूर रहना है। आपको कुल मिलाकर अपने आप को बचाना है। अभी आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है, अपनी बात किसी के सामने नहीं रखनी है। अगले 3 दिनों तक आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अब एक बात यहां पर हम आपको और बता दें कि मित्रों आपसे लोग जानबूझकर उलझने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, कुछ आपके मुंह पर और कुछ आपके पीठ के पीछे, कि जिनका आपको मन करेगा कि जवाब दे ही दें। और आप जब जवाब देने की कोशिश करेंगे, झगड़ा होगा, बात होगा, और इस झगड़ी और विवाद में आपका केवल और केवल आपका नुकसान होगा, क्योंकि यह स्थितियां आपकी बर्बादी के लिए ही तो बनाई जा रही हैं। आपको इसमें संभल कर रहना है। तीसरी, कि आप कोई भी छोटी बड़ी बात अपने दिल से नहीं लगानी है। यहीं से आपके झगड़े की, आपके क्रोध की शुरुआत होगी। तो कोई आपसे कुछ कह रहा है, अब समझ जाइए कि यह समय है इसलिए ऐसा कह रहा है। कल समय बदल जाएगा तो इसकी बातें भी बदल जाएंगे, सोच भी बदल जाएगी। और यदि ना भी बदले तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर तो हर उस कार्य का फर्क पड़ेगा जो आप करते हैं। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पूरी समझदारी का परिचय यहां पर देना होगा। किसी से झगड़ा नहीं करना है, विवाद में नहीं पड़ना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, और जरा जरा सी बात पर भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं दिखाना है। अपने चिड़चिड़ापन को, अपने गुस्से को अपने आप तक संभाल कर रखें। समय की परिस्थिति की नाजुक स्थिति को समझते हुए चले। अब प्यारे दोस्तों, समझ गए, आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी के इन 3 दिनों में आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया भी होने वाली है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह हमें माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर एहसास हुआ, तब हम आपको बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब किसी जातक ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी वह सबसे अच्छा समय होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर की जा सकती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही उसके आसपास घूम रही है, उसी घिरकर बैठी है। ऐसे में यदि कोई छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी कर दी जाए तो जातक की उम्र भर की बर्बादी निश्चित हो जाती है। आप माने या ना माने, यह बात सच है। हमने चेक करो, परिवारों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए, हंसते खेलते परिवारों को तबाह होते हुए देखा है। ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी सुपारी तक नहीं खाते थे, जब भी नकारात्मक शक्तियों के तांत्रिक क्रियाओं के फेर में पड़ गए, जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसी निम्न और घृणित गतिविधियों में उलझ कर रह गए और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और कुछ जगहों पर तो लोगों का सुधार होने से पहले ही मृत्यु ने भी उन्हें समेट लिया। कहने का मतलब यह है कि यह जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह बहुत भयंकर होती है। आज के समय में यह बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। परिवार बिखर रहे हैं, प्रेमी जोड़े साथ में रह नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में यदि आ जाता है तो बर्बादी हो जाती है।
तुरंत अलगाव हो जाता है। किसी तीसरे से किसी प्रकार का जरा सा भी मेलजोल हुआ तो फिर वह उसी के वश में होकर रह जाता है और अपनी पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है, बरसों का साथ पीछे रह जाता है। यह सब तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही तो है, यहां तक कि दुर्घटनाओं के और आत्महत्याओं के भी जो केस अभी पढ़ रहे हैं, इस समय में भी सभी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही हो रही है। लोग अपने ऊपर से काबू हो चुके हैं, वह कौन है क्या है यह भूल चुके हैं, क्योंकि इतनी जोर से इतनी ताकत से नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें कर दिया है कि वह सब कुछ भूल कर बस उसी की इच्छा पूर्ति में लग गए हैं। तू तो आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, और एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होगी तो तुरंत दूसरे ही दिन से उसका फर्क दिखाई देना शुरू नहीं हो जाएगा, उससे आपके ऊपर हावी होने में समय लगेगा। 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने धीरे धीरे वह अपना असर दिखाना शुरू करेगी, लेकिन जब एक बार वह आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर उसे हटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। कोई आप हो, इन 3 दिनों में लौंग देता है, किसी भी प्रकार से खाने के लिए रखने के लिए बाहर का सदस्य, अनजाना सदस्य तो आपको ब्लॉक नहीं लेनी है। दूसरा कि आपको कोई सफेद रंग की मिठाई खाने के लिए देता है तो आपको वह नहीं लेना है। तीसरा कि आपको कपड़े में बांधकर कोई सामग्री देता है, खास तौर से काली लाल या हरे कपड़े में बांधकर आपको कोई सामग्री देता है, किसी भी प्रकार से किसी भी बहाने से देता है, आपको नहीं लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने कपड़े, अपने जूते और अपने घड़ी और मोबाइल किसी को भी प्रयोग करने के लिए नहीं देना है। अपने बाल, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, आप अपने बाल कटवा रही हैं, तो दूसरों से बचा कर रखें। किसी ऐसी जगह अपनी बाल कटवाने जहां आपके अपनों को जानकारी ना हो, यानी कि उनकी नजरों से बचकर अपने बाल कटवाए। अपने अंग वस्त्र यानी आंतरिक वस्त्र आप सूखने के लिए डालें तो ऐसी जगह डालें जहां से वह चोरी ना हो सके, कोई उन्हें उठा ना सके। मित्रों, आप बात को भले ही हल्के में ले लें, लेकिन यह बात सच है, इन्हीं चीजों से तो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। या तो कुछ आपको खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा, आपने कुछ खा लिया, कोई ऐसी तांत्रिक चीज आपके शरीर में चली गई, अब वह वहीं पर बात करेगी और आपके ऊपर उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, या फिर आपकी इस्तेमाल की जाने वाली कोई चीज, खास तौर से आपके अन्य वस्त्र, आपका सामान जो आप प्रयोग करते हैं, या फिर आपके बाल, आपके नाखून, इनका प्रयोग करके कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की जाएगी जो आपको बर्बाद कर देगी। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा संभल कर का प्रयोग करना है, इनकी ताकत को समझना है। लापरवाही दिखाएंगे तो फिर बाद में आप हमें खुद ही मैसेज करते हुए दिखाई देंगे कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, रिश्ते नाथों में जैसे आग सी लग गई है, व्यापार तो जैसे मिट्टी में मिल गया है, सब कुछ मिटा चला जा रहा है, कुछ करिए तो पहले ही सतर्क हो जाएगी। ऐसे समय में आपको समझा देना बहुत आवश्यक है। फिलहाल तो आपको यह सावधानी जीवन भर बरतनी चाहिए जो हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको बेहद सतर्क रहना होगा कि यही वह समय है जब आप ऊपर प्रचंड नकारात्मक क्रियाओं के कई प्रकार से वार होंगे, आपको संभल कर रहना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह महा उपाय जो आपको हमेशा अपने पास रखना है, और यदि आप उसे अपने पास रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, ग्रह दोष हो, तब का प्रभाव रहेगा तो लिखित आंशिक रहेगा, जरा सा प्रभाव होगा आपको छू कर चला जाएगा, यह कहना गलत होगा। किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, जरूर आपके ऊपर बकरियां आएगी, आपको छू कर जाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस प्रकार ग्रहों की बदलती चाल, नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आएंगे, जरूर आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन कोई बड़ा घाटा, बड़ा नुकसान, बड़ी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, बस इस बात की गारंटी है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान करने वाली जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लें, इससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। दूसरा,
कि आप जब घर से बाहर निकले तो एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में, और जब आप अपने घर में वापस आए यानी काम धंधा व्यापार पर जा रहे हैं, उस समय की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो लौंग की जोड़ी खूब आप घर में जब प्रवेश करें उस समय अपनी पीठ के पीछे फेंक कर घर में प्रवेश कर जाए। तीसरा कि आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकले, यानी कि कोई जरूरी डील होनी है, कहीं लेन देन होना है या पार पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रही हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले अपने मन में 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र हम आपको पहले भी बता चुकी है और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है, तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, वह क्लीम क्लीम नमः। जी हां मित्रों, बीज मंत्र है यह, और इनमें मां बगलामुखी और मां भवानी की पूर्ण शक्ति समाहित है। फिर से ध्यान दें, ओम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो दोनों नाथ चित्र हैं, नासिका क्षेत्र हैं, उनमें से किस नासिका छिद्र से सांस बाहर आ रही है, उसी पर को आपको बाहर निकालना है, तो अपना हां तक अपनी नाक के पास ले जाएं और नाक से श्वास बाहर निकालें। यदि दाहिनी तरफ से आपकी श्वास बाहर आ रही है, तो दाहिने पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकालें। बाएं तरफ से यदि श्वास बाहर आ रही है, तो वहीं पर को या नहीं उल्टे पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकालें। ऐसा करना बहुत ही अनिवार्य है, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है, और जो भी जाता है इस प्रकार से अपने घर के जरूरी कार्यों को करने के लिए निकलता है, वह पूर्ण रूप से दैवीय शक्तियों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वह देव अनुकूल चल रहा है। और एक बात हम आपको बता दें कि हमारी चेतावनी देने के बावजूद भी यदि ऐसा लगी आपको कि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट होने लगा है, कुछ बुरा होने लगा है, तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। वैसे तो कुछ होगा नहीं यदि आप महामय की शरण में रहेंगे, और यदि फिर भी ऐसा लगे कि कुछ अनिष्ट होने लगा है, तो आपको एक काम करना है कि आपको 11 लघु नारियल लेकर आने हैं और उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर मां भवानी के चरणों के पास रख देना है, और अपने जीवन की जो मुसीबत है, जो आफत है, उसके बारे में बता देना है कि माई हमारे ऊपर पैसे का बहुत अधिक कर्जा बढ़ रहा है, पैसे की आ गई है, या फिर जो भी आपकी समस्या है, केवल एक समस्या के बारे में बताना है। 10 समस्याएं मत बता देना, एक समस्या जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है उसके बारे में बताकर माई के चरणों में उसे आप रख दें। 11 नारियल यानी हम लघु नारियल की बात कर रही हैं। यहां पर 11 लघु नारियल आपको माई के चरणों के पास रखना है और उनका नित्य पूजन करना है। 11 नारियल 11 दिन में आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये मित्रों, ये बहुत ही जांचा परखा और सिद्ध उपाय है, इससे बहुत लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई हैं। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नित्य पूजा घर में जाकर माई के नाम से एक दीपक जलाना है और अपने लघु नारियल को देखते हुए, माई की तरफ देखते हुए अपनी मनोकामना बोलती नहीं है, और आप देखेंगे कि कैसे केवल 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो 100% पूरी हो जाएगी, यदि पूरी नहीं हो पाती है तो फिर उसके पूरे होने के आसार तो बनने ही लगेंगे या नहीं, स्थितियां आपके मन के अनुसार। अब यदि आपके पास समय है और आप इस उपाय की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नित्य रुद्राक्ष की एक माला से ओम क्लीम मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। ब्रह्मांड की कोई रुक नहीं पाई कि मां भवानी की शरण में जो एक बार आ गया उसका तो बेड़ा पार हो ही गया, चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, उद्धार निश्चित है। तो आप देख लें कि आपके पास कैसा समय है, किस प्रकार से आपको करना है, जो भी उपाय है हमने सब बता दिया है। इसी के साथ साथ ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और माई की आपके ऊपर पूरी कृपा है, आप हमसे जुड़ चुके हैं, बस मन में माई के लिए आस्था और विश्वास बनाए रखिए। माता रानी आपका कल्याण करें कि जय मां भवानी, जय माई की।